लेट्स गो थ्रू समेसिक रूल्स एंड बेसिक प्रिंसपल्स ऑफ प्रॉबलिटी और बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्राबिलिटी हमने बात कर ली है कि प्रॉबिलिटी यूजली ऑलवेज ज़ीरो टू वन के दरमिया रेंज करती है जिसमें वन uh, का मतलब है कि इवेंट विल डेफिनेटली अकर और जीरो का मतलब है कि इवेंट विल नॉट अकर एट ऑल और इसके हमने एग्जांपल भी दी है कि अगर फेयर uh, क्वाइन को हम टॉस करें तो देर इज़ ए जीरो प्रॉबलिटी कि वो कॉइन की कोई तीसरी साइड आ जाए या कॉइन खड़ा हो जाए uh, या फिर हम अगर डाइस को रोल करते हैं तो सेवन आने की प्रॉबलिटी ज़ीरो है प्रॉबलिटी के अंदर ही एक रूल है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स द इवेंट्स दैट कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम आर कॉल्ड डिस और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मसला Uh, अगर हम कहें कि हेड और टेल का आना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं यानी उसमें या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा इसी तरह अगर मैं डाइस को रोल करती हूँ तो अगर सिक्स वाली साइड आई है तो बाकी कोई भी साइड नहीं आ सकती तो जब इवेंट्स इस तरह हो, तो हम कहते हैं कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं या फिर वो डिस इवेंट हैं लेकिन कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जिसमें इवेंट्स नॉट डिसचॉइंट और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं मस अगर फर्ज करें कि मेरे पास एक जार है मार्बल्स का ही और उसके अंदर ब्लैक और वाइट मार्बल्स uh, हैं जैसे मैंने अभी बात की तो ईवेंट ए ये है कि आपकी ब्लैक मार्बल है और उसमें जो फिफ्टी परसेंट मार्बल्स हैं वो नंबर्ड हैं यानी उनके ऊपर नंबर लगा हुआ है वन टू फिफ्टी तक और वो रेंडमली फिफ्टी मार्बल्स के ऊपर नंबर है और उसमें वाइट भी हैं और ब्लैक भी हैं तो इवेंट ए है कि मेरे पास ब्लैक मार्बल आए और इवेंट बी जो है वो है कि मेरे पास नंबर्ड मार्बल आए नंबर्ड मार्बल सो अब ये दोनों इवेंट्स इवेंट ए और इवेंट बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है क्यों क्योंकि ऐसी मार्बल मैं निकाल सकती हूँ जो कि ब्लैक भी हो और उसके ऊपर नंबर भी लगा हो सो so, इस तरह के इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारे रूल्स डिफरेंट हैं और जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं उनके लिए हमारी प्रोबेबिलिटी निकालने का डिफरेंट है लेट्स कंसिडर दिस एग्जाम्पल फॉर ए ए इज़ अ रैंडमली चोजन पर्सन हैज़ ब्लड टाइप ए इवेंट ए क्या है कि आप यू विल चूज अ रेंडमली अ पर्सन हु हैज़ अ ब्लड टाइप ए एंड बी इज़ अ रेंडमली चोजन पर्सन हैज़ अ ब्लड टाइप बी सो टाइप इवेंट ए और इवेंट बी बोथ आर यस करेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं क्यों क्योंकि एक इंडिविजुअल का या तो ब्लड ग्रुप ए होगा या फिर उसका ब्लड ग्रुप बी होगा तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नाउ कंसीडर दिस एग्जांपल ए इज रैंडमली चोजन पर्सन हैज अ ब्लड टाइप ए एंड बी इज अ रैंडमली चोजन पर्सन एज अ वुमन अब ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है क्यों क्योंकि वेमेन का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है सो बोथ इवेंट्स कैन नक्कर एट द सेम टाइम विच मीनस दैट द इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हम इसके लिए डिफरेंट रूल्स और लॉज लगाते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो रूल्स समझने और याद रखने बड़े ज़रूरी हैं ताकि आप उनकी प्रोबेबिलिटीज ईजीली कैलकुलेट कर सकें इफ़ इवेंट ए एंड बी आर डिसजॉइंट यानी वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी वुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सो वी विल यूज़ द एडिशन रूल इफ़ द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो फिर आपकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए वी विल यूज़ एडिशन रूल जिसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वैसे मैंने जब पढ़ती थी तो मैंने हमेशा और के साथ रिलेट किया होता था कि जब भी और आ जाएगा तो एडिशन रूल लगाना है पेन डीलिंग विद प्रॉबीबलिटी द वर्ड और विल ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद द ऑपरेशन ऑफ एडिशन दैट इज वट आई यूज टू रिमेंबर हिंस द नेम ऑफ दिस रूल इज़ अ एडिशन रूल फॉर एग्जाम्पल अगर आप डाइस रोल कर रहे हैं तो वट इज़ द प्रोबलिटी ऑफ थ्री और सिक्स इवेंट ए है थ्री आए और इवेंट बी है सिक्स आए तो so, दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं क्योंकि अगर थ्री आ गया तो बाकी कोई साइड नहीं आ सकती और सिक्स आ जाए तो बाकी नहीं आ सकती तो वी विल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज फॉर एक्सक्यूज़ मी दिस विच इज़ इक्वल टू वन बाई सिक्स और सिक्स आने की प्रॉबिलिटी भी वन बाय सिक्स है तो आप एडिशन रूल लगा के आप वन बाय सिक्स प्लस वन बाय सिक्स करेंगे विच इज़ इक्वल टू टू बाय सिक्स विच इज़ इक्वल टू वन बाय थ्री इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं सो दिस इज़ एडिशन रूल यहाँ पर मैंने एक और एग्जाम्पल सॉल्व किया वैसे तो मैंने पीछे कर दिए इफ़ एंड बी आर नॉट डिस जॉइंट एंड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो फिर हम उसमें कैसे करेंगे सो प्रोबलिटी ऑफ ए और बी वुड बी प्रॉबलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ बी और उसमें से हम माइनस कर देंगे जो उनकी जॉइंट प्रॉबिलिटी है क्योंकि हमने कहा कि इवेंट्स अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हैं तो हम उनमें एडिशन रूल लगा के उनकी जॉइंट प्रॉबिलिटी माइनस कर देंगे इफ़ इवेंट इज अ डायमंड आपको वैसे प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन uh, समझने के लिए मोस्टली आई विल यूज़ एग्जाम्पल्स फ्राम कार्ड्स एंड डाइस एंड कॉइन क्यों क्योंकि हमें उसमें अंडरस्टैंडिंग uh, ईजी है क्योंकि टोटल नोन आउटकम्स हमारे पास होती हैं uh, हम बात करेंगे डेफिनेटली दूसरी अनसर्टेनिटीज़ की भी जिसमें हमारे पास इस तरह की सिचुएशन ना हो तो फिर हम कैसे हैंडल करते हैं लेकिन सो फार टू अंडरस्टैंड द बेसिक रूल्स बेसिक प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी वी विल यूज डाइस एंड कॉइन एंड कार्ड्स एग्जांपल सो एक स्टैंडर्ड डेक ऑफ कार्ड्स में फिफ्टी टू कार्ड्स होते हैं जिसमें फ़ोर कलर्स होते हैं फ़ोर कलर्स का मतलब है कि उसमें होता है क्लब स्पेड डायमंड एंड हार्ट्स हार्ट्स और डायमंड रेड कलर के होते हैं और क्लब और स्पेड जो होता है वो ब्लैक कलर के होते हैं तो इसमें आपके टेन कार्ड्स होते हैं जो नंबर्ड कार्ड्स होते हैं और थ्री थ्री पिक्चर कार्ड्स होते हैं हर कलर के अंदर सो थ्री कार्ड्स ऑफ डायमंड थ्री कार्ड्स ऑफ स्पेड थ्री कार्ड्स ऑफ हार्ट थ्री कार्ड्स ऑफ क्लब पिक्चर्स होते हैं सो टोटल ट्वेल्व पिक्चर कार्ड्स होते हैं तो इवेंट ए है कि आपका कोई डायमंड कार्ड आए और इवेंट बी ये है कि वो टेन कार्ड आए अब ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि जो टेन ऑफ डायमंड दोनों इवेंट्स एट अ सेम प्लेस अक कर सकते हैं सो so, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम पहले इनकी सेपरेट प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हैविंग अ डायमंड कार्ड विच इज़ थर्टीन बाय फिफ्टी टू और प्रोबेबिलिटी इवेंट बी की टोटल हमारे पास टेन के कार्ड्स कितने होते हैं फोर कलर्स हैं तो हमारे पास टेन ऑफ हार्ट टेन ऑफ स्पेड टेन ऑफ क्लब टेन ऑफ डायमंड होता है सो फोर बाई फिफ़्टी टू इवेंट बी की प्रॉबिलिटी है सो इंटर सेक्शन हमने निकालना है कि दोनों में मुशतरक चीज़ कितनी है तो देर इज़ वन कार्ड विच इज़ अ डायमंड कार्ड एंड विच इज़ इज़ ऑल्सो अ टेन नंबर कार्ड तो हम उसमें से एक कार्ड ऐसा है जो कि ओवरलैपिंग है यानी वो उसका इंटरसेक्शन है सो so, हम क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द इवेंट्स विच इज़ कॉमन तो हम थर्टीन प्लस फोर माइनस वन विच इज़ इक्वल टू सिक्सटीन बाई फिफ्टी टू अगेन वी अप्लाइड एडिशन रूल फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है और प्रीवियस स्लाइड में हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए एडिशन रूल लगाया था याद रखें कि इसमें हमने क्या किया है प्रॉबिबिलिटी ऑफ ए और प्रॉबलिटी ऑफ बी यानी हमारे पास ये एक बज़ वर्ड है जिससे हमें याद रहता है कि हमने एडिशन रूल लगाना है यानी हमने सेपरेट प्रॉबिबिलिटीज को जमा करना है अब आगे मल्टीप्लीकेशन रूल मल्टीप्लीकेशन रूल का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सेपरेट इवेंट्स अकरिंग इज द प्रोडक्ट ऑफ ईच इवेंट दो सेपरेट इवेंट्स हैं और उनकी प्रोडक्ट को हम uh, uh, निकालेंगे बाय मल्टीप्लाइंग द सेपरेट प्रोबेबिलिटीज ऑफ बोथ द इवेंट्स इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट यानी नॉट डिस जॉइ देन द प्रोबिलिटी ऑफ ए एंड बी वुड बी इक्वल टू प्रोबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोबिलिटी ऑफ बी मसलन यू आर रोलिंग टू डाइस इवेंट ए है सिक्स ऑन फर्स्ट आय एंड इवेंट बी है सिक्स ऑन द सेकेंड आई दो लूडो के दाने से आप खेल रहे हैं पहले दाने पे भी आपका छः आए और दूसरे दाने पे भी छः आए दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं सो यू वॉन्ट सिक्स ऑन फर्स्ट आय एंड सिक्स ऑन सेकेंड आय दोनों के ऊपर आप छः लाना चाह रहे हैं सो हम क्या करेंगे दोनों पे छः आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज़ पहले दाने पे छः आने की प्रोबेबिलिटी इज वन बाय सिक्स और दूसरे लूडो के दाने पे भी छः आने की प्रोबेबिलिटी वन बाय सिक्स है वी विल गेट द प्रोडक्ट ऑफ टू इवेंट्स बाय मल्टीप्लाइंग द सेपरेट प्रोबेबिलिटीज फॉर ईच इवेंट विच इज इक्वल टू वन बाय थर्टी सिक्स एक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज ये हमने मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गे बी इवेंट इवन इवेंट गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड जब भी हम किसी दो इवेंट्स में निकालते हैं और ए ऑलरेडी अकर कर रहा हो तो फिर हम उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं मसलन इफ एंड बी आर डिपेंडेंट इवेंट्स दैन प्रोबिलिटी ऑफ ए इंटर सेक्शन बी वुड बी इक्वल टू प्रॉबिलिटी ऑफ बे बी गिवन ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मसलन अगर आपका है अबैक कंटेन्स थ्री वाइट एंड थ्री रेड मार्बल्स तो इवेंट ए है रेड बॉल का आना और इवेंट बी है वाइट बॉल का आना अब ये विदाउट रिप्लेसमेंट है और हमने इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स स्ट्रेट फॉर्वर्ड रहेगी विच इज इक्वल टू थ्री बाई सिक्स लेकिन इवेंट बी की प्रॉबलिटी निकालने के लिए हम ज्यूम करते हैं कि ए इवेंट एज सच अक्कर कर चुका है यानी जो पहला इवेंट है वो रेड बॉल एक निकल चुका है तो अब हमने इवेंट बी की प्रॉबलिटी कैलकुलेट करनी है तो इवेंट बी के लिए चूँकि हमें पता है कि यहाँ पर थ्री बाय सिक्स था और एक रेड बॉल निकल गया हुआ है तो इवेंट बी की सिंपल प्रॉबलिटी हम निकालेंगे प्रॉबलिटी ऑफ बी इज़ इक्वल टू गिवन ए ये स्लैश को हम गिवन पढ़ते हैं तो प्रॉबलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रॉबलिटी ऑफ़ बी गिवन ए विच इज इक्वल टू थ्री बाई फाइव क्योंकि आपके थ्री वाइड बॉल्स उसमें हैं और टोटल आपके फाइव रह गए हैं तो कंडीशनर प्रॉबलिटीज़ की हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत सी एग्जाम्पल्स होती हैं कि अगर एक इवेंट अगर कर चुका हो ऑलरेडी हमने दूसरे इवेंट की प्रॉबलिटी कैसे निकालनी है और इसी तरह वाइस वर्षा अगर दूसरे इवेंट ऑलरेडी अगर कर गया हो तो पहले की हम प्रॉबलिटी कैसे निकालेंगे प्रॉबलिटी ऑफ बी गिवन ए हेज़ ऑलरेडी अकर्ड और प्रॉबलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड और इसके लिए वैसे आई विल नॉट गो इन टू वेरी डिटेल यूजली हम बेस थेरम लगाते हैं और उससे हम उसकी फ्रिक्वेंसीज और कैलकुलेट करना हमारे पास आसान हो जाता है लेकिन मे बी वी विल टच अपॉन इट लेकिन वी विल नॉट गो इन टू डिटेल वी विल डू फर्दर यू नो हैंड्स ऑन स्किल्स ऑन प्रॉबलिटी इन नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स